ये जी इनकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं जी। अब देख सकते हैं ये जी SBL का तरफ से ना हमें डेबिट कार्ड वसूल हुआ है जी। ये देख सकते हैं ये इनकी मेन्यू बुक है, लाइक कैसे इसे एक्टिव करते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शहबाज बिरोज, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SBVlog। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आप सबको अपनी एग्जाम मान में रखे। वैसे तो हम इस चैनल पर मंडी मवेशी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं या विलेज का माहौल आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने चले हैं जी। हम आपको इस वीडियोज़ में ना SBL डेबिट कार्ड की अनबॉक्सिंग और इसे एक्टिव करने का मुकम्मल तरीक़ाकार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहना है, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है और वीडियोस को मुकम्मल वॉच करना है। आपको SBL डेबिट कार्ड की अनबॉक्सिंग भी दिखाएंगे और इसे एक्टिव करने का, ऑनलाइन एक्टिव करने का तरीकाकार भी आपके साथ शेयर करने हैं जी। तो व्यूअर्स, ये हमने अप्लाई किया था तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर ना ये हमें TCS वसूल हुआ है जी, कॉल करके बुलाया गया है। ये इनकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं और इसे ऑनलाइन एक्टिव कैसे करते हैं वो भी आपको तरीक़ाकार बताते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियोज़ को मुकम्मल वॉच करना है ताकि बआसानी आपको समझ आ सके। ये जी इनकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं जी, वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन बटन को प्रेस करके आल पे कर दें ताकि हमारी तमाम आने वाली मंडी की मवेशी मंडी के मुतालिक, विलेज गांव के मुतालिक और ये नई इंफॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंचती रही। ये जी हमें मसूल है जी, डेबिट कार्ड मसूल हुआ है जी, इसे अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं जी, क्या क्या प्रोसीजर होता है वो आपको दिखाते हैं। ये क्या क्या चीज़, इसके ऊपर जी नंबर लिखा हुआ है जी हमारा, कॉल की गई थी, आप अपना TCS उठा सकते हैं। ये जी आप देख सकते हैं ये जी SBL का तरफ से ना हमें डेबिट कार्ड वसूल हुआ है जी। ये देख सकते हैं ये इनकी मेन्यू बुक है, इसे आप रीड भी कर सकते हैं और ये देख सकते हैं जी, ये सारा कुछ प्रोसीजर जो आपको दिखा रहे हैं जी डेबिट कार्ड का है जी। ये चेक, ये आपको बताते चलें, इसकी फ़ीस वगैरह कोई नहीं होती, सालाना शायद हो तो वो कोई पता नहीं है। फ़िलहाल आप इसे फ्री में अकाउंट खुलवा के ना एक्टिव करवा सकते हैं जी। ये चेक कर सकते हैं जी, इनका मुकम्मल ये दिया गया है जी, मेन्यू दिया गया जी, ये है जी डेबिट कार्ड, शायद इसमें देखते हैं जी। ये जी पड़ा है जी डेबिट कार्ड, इसे हम देखते हैं आपके साथ, ये चेक कर सकते हैं, मोहम्मद शहबाज के नाम पे है जी। आप इसे एक्टिव ऑनलाइन भी आपके को करके दिखाते हैं, ऑनलाइन कैसे इसे एक्टिव करते हैं। ये एक्टिव नहीं होता, ये कोड वगैरह होते हैं वो ना इसके ज़रिए ये एक्टिव करने पड़ते हैं। चलिए जी मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और इसे आपको एक्टिव करने का तरीक़ाकार जो मुकम्मल है वो आपके साथ शेयर करते हैं जी। तो सिंपली आपने मोबाइल एप्लीकेशन ऐप को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद ऊपर 3 डॉट नज़र आ रहा है, उस पर आपने क्लिक करना है। नीचे मैनेजमेंट एंड सर्विस, इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने कार्ड मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। ये देख सकते हैं स्टेटस एक्टिवेट, एक्टिवेट करने के लिए नीचे एक्टिवेट कार्ड लिखा है, इस पर आपने क्लिक करना है। ऊपर आपको डेट ऑफ एक्सपायरी, ये कार्ड पे ऊपर लिखी होगी वो आपने इधर इंटर करनी है, डेट मंथ लिखना है इधर। और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा इंटर न्यू पेन, आपने एक न्यू 400 का पेन इंटर करना है। उसके बाद री इंटर वही जो पेन 400 का वही डालना है। उसके बाद OTP आएगी आपके मोबाइल पर, सिम होगी तो ऑटोमेटिक लग जाएगी वरना आपको डालनी पड़ेगी। ये देख सकते हैं लग चुका, डियर कस्टमर यू हैव सक्सेसफुल एक्टिवेट योर डेबिट कार्ड। उसके बाद आपने ओके कर देना है, आपका कार्ड जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है।